नमस्ते दोस्तों, डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम उन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनमें क्या क्या व्यवस्था की गई है, भारतीय राज्य में नए राज्यों की स्थापना एवं उनके पुनर्गठन के लिए क्या व्यवस्था की गई है, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पे मेरे बारे में कुछ जानकारी दी गई है। मेरा नाम है निखिल साहू और मैं फाउंडर हूँ डिस्टेंस लर्निंग का। मैंने बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में भोपाल से और वर्तमान समय में मैं एमए कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में जेएनयू से। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग का और टीचिंग का। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भाग 1 की, जिसका नाम है संघ और इसका क्षेत्र। ठीक है, ये भाग 1 है और इस भाग के अंतर्गत 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। उन 4 अनुच्छेदों में जो पहला अनुच्छेद है उसका नाम है संघ का नाम और इसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद जो 1 है वो ये कहता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। पहली है भारत का नाम, मतलब हमारे जो देश है उसका नाम क्या है, और दूसरा कि इसमें कौन सी शासन पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में 2 अलग अलग तरीकों से हमारे देश का नाम उपयोग क्यों किया गया है। मतलब कि आपने अनुच्छेद 1 सुना इंडिया यानी भारत, तो 2 इंडिया और भारत 2 नाम है हमारे देश के। ठीक है, तो ये क्यों किया गया है, क्यों 1 भारत नहीं रख सकते थे, क्या ये 1 इंडिया नहीं रख सकते थे। दोस्तों इसका अगर आप इतिहास जानना चाहेंगे तो आपको संविधान सभा के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके पन्ने पलटना पड़ेंगे। उस समय बहुत सारे जो हमारे राजनीतिज्ञ थे, बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो संविधान सभा में थे, उनका कहना था कि इंडिया नाम होना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि भारत नाम होना चाहिए। तो दोनों को ही विचार को समाहित रूप में भारतीय संविधान में लाने के लिए एवं भारतीय संविधान को एवं भारत के परंपरागत नाम को और आधुनिक नाम को दोनों को मिला के जो समेकित भारत की छवि बनती है उसे दर्शाने के लिए दोनों नाम को भारतीय संविधान में रखा गया है। दूसरी जो बात है जो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से पता चलती है वो है भारत की राज पद्धति। मतलब भारत में कौन सी शासन पद्धति राज पद्धति का उपयोग किया जाता है वो हमें अनुच्छेद 1 से पता चलती है। आप जब पढ़ेंगे इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह का राज्यों का संघ होगा, तो जो संघ है वो संघीय व्यवस्था को दर्शाता है, वो फेडरेशन फेडरल सिस्टम को दर्शाता है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग सरकार होती है, केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे जो संविधान है उसमें 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है इस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और केंद्र सूची पे केंद्र कानून बनाएगा और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा। हम आगे वाली जो वीडियोस हैं उन पे जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ अपवाद हैं जिनमें केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। अब हम हमारी समझ बढ़ाने के लिए जो भारत क्षेत्र है उसको हम 3 भागों में विभाजित करके या डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं राज्य का क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है उसको कहते हैं संघ का क्षेत्र, और तीसरा वो क्षेत्र है जिसको भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है। तो अब मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि जो पहला क्षेत्र है वो स्टेट को दर्शाता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इत्यादि। दूसरा जो क्षेत्र है वो संघ शासित क्षेत्रों को दर्शाता है, मतलब जो यूटीज हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, दमन एवं दीव हो गया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो आता है कि जो वर्तमान समय में भारत का हिस्सा नहीं है बट किसी भी समय भारत सरकार द्वारा संधि करके, युद्ध करके या किसी अन्य तरीके से भारत में मिलाया जा सकता है, भारत में नए क्षेत्र को स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने अनुच्छेद 1 को विशेष रूप में समझा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो अब अनुच्छेद 2 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। यहाँ पे एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है,
कि अनुच्छेद 2 वर्तमान में जो भारत का हिस्सा है उससे डील नहीं करता, नए राज्यों की बात करता है। मान लीजिए कि हम अफगानिस्तान का कोई क्षेत्र ले लें या बांग्लादेश का ले लें, पाकिस्तान का रहने ही देते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश या अफगानिस्तान का कोई क्षेत्र हम भारत में समाहित करते हैं तो उससे समाहित करने के लिए अनुच्छेद 2 में प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब जो अनुच्छेद 2 है वो भारतीय संसद, मैं जोर दे रहा हूँ संसद को, क्योंकि नए राज्यों का गठन, उनका पुनर्गठन और उन्हें किस रूप में शामिल करना है, यह शक्ति भारतीय संविधान ने भारतीय संसद को दी है। अब जो आपको पता है कि जो भारतीय संसद 3 संस्थाओं से बनकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो ये जो भारतीय संसद है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, जो 4 अनुच्छेद हैं उनसे डील करती है। तो अनुच्छेद जो 2 है उसमें भारतीय संसद को 2 शक्तियां दी गई हैं। पहली शक्ति ये कहती है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना, और जो दूसरी बात है वो बात करती है नए राज्यों के गठन की शक्ति, ठीक है। मतलब कि सरल शब्दों में आप ये समझिए कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना से संबंधित है जो वर्तमान समय में भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को जो पहली शक्ति प्राप्त है वो ये कि आप किसी भी देश के किसी भाग को आप भारतीय संघ में मिला सकते हैं, और दूसरी शक्ति ये है कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब कि आप उसको राज्य बनाना चाहते हैं या आप उसको केंद्र शासित बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये संसद पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। तो अनुच्छेद जो 3 है वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन करने की शक्ति की बात करता है। मतलब कि वर्तमान समय में भारत में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बाउंड्री, उनके क्षेत्र, उनके नाम में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, वो है ABCD, ठीक है। समझिए कि A फॉर एरिया, B फॉर बाउंड्री, S फॉर स्टेट और U फॉर यूनियन टेरिटरी। देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वो A फॉर एरिया मतलब किसी भी राज्य के एरिया मतलब क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसमें जोड़ सकती है, उसमें घटा सकती है। उस राज्य के B मतलब कि बाउंड्री में नकारात्मक परिवर्तन या सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ सकती है, उसको अलग कर सकती है, या फिर किसी एक स्टेट को किसी यूनियन टेरिटरी के हिस्से में मिला सकती है या उनको अलग कर सकती है। मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा बड़ा राज्य है, ठीक है। तो अगर भारत सरकार को, संसद को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासनिक कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो एक स्टेट को मतलब कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांट सकती है, या फिर केंद्र सरकार को ये लगता है कि भाई जो उत्तराखंड है उसका कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सीमा में ज्यादा आता है, तो ये कर सकती है कि उत्तराखंड के किसी सीमा को उत्तर प्रदेश को दे सकती है। सेम बात केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में भी लागू होती है कि कोई राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में मिलाया जा सकता है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश को कोई राज्य में मिलाया जा सकता है, या फिर किसी राज्य के हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। और आखिरी नाम में परिवर्तन, अगर संसद को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बात है जो नाम परिवर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जैसे कि जो वर्तमान समय में हमारा कर्नाटक है उसका पहले नाम हुआ करता था मैसूर, तो फिर उसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही उसका नाम परिवर्तन किया गया है। तो अभी जो हमने समझा कि आप बाउंड्री में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट में मिला सकते हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो अब हम उस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहली जो स्टेप है वो ये है कि कोई भी जो बिल है, देखिए कोई भी जो बिल है अगर उसको संसद में स्थापित करना है, ठीक है, उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत ज्यादा आवश्यक है, मतलब कि अनिवार्य है। तो जो राष्ट्रपति है वो अपने मन से मंजूरी नहीं दे देगा, तो जो बिल है उसको वो भेजेगा राज्य में, राज्य की अनुशंसा जानने के लिए कि राज्य क्या सोचता है, और उसे अपनी रिकमेंडेशन मतलब राज्य को अपनी रिकमेंडेशन केंद्र को मतलब कि राष्ट्रपति को एक समय सीमा के अंतर्गत देना है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राज्य की कोई भी अनुशंसा, कोई भी मांग को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है।
अब हम चौथा और आखिरी अनुच्छेद जान लेते हैं जो भाग एक के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो जो चौथा अनुच्छेद है उसको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि अनुच्छेद 4 स्वयं ये घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 ठीक है, इसमें क्या बात की गई है कि प्रवेश एवं नए राज्यों का गठन, मतलब कि हमने देखा था कि अगर हम कोई अफगानिस्तान या बांग्लादेश के कोई हिस्से को भारत में समाहित करते हैं तो ये बात अनुच्छेद 2 में लिखी गई है। और अनुच्छेद 3 क्या बात करता है, अभी हमने जाना कि जो वर्तमान समय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बाउंड्री, उनके एरिया, उनके नाम में परिवर्तन करना है, तो ये बात अनुच्छेद 3 में लिखी गई है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो 368 है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, इसमें दो प्रक्रिया दी गई है, हमने पिछली वीडियो में जानने की कोशिश की थी। आगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही विशेष रूप में, बहुत ही गहन रूप में चर्चा करेंगे इस अनुच्छेद की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों अनुच्छेद बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसे पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। मैं आपके लिए एक बार इसको पढ़ देता हूं कि कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछता है। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बात की गई है कि एक नया राज्य बनाने के लिए संबंधित विधेयक को संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। दूसरा कथन जो बात करता है कि एक नया राज्य बनाने के लिए प्रासंगिक विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ ही लोकसभा में पेश किया जाता है। तीसरा जो कथन है वो बात करता है कि एक नया राज्य बनाने के लिए प्रासंगिक विधेयक को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ राज्यसभा में पेश किया जाता है। और चौथा और अंतिम जो कथन है वो बात करता है कि एक नए राज्य के बनाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने जो पिछले हमने चार अनुच्छेद पढ़े हैं उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुना होगा और अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताने का कष्ट करें। एक क्वेश्चन मेंस के लिए भी बनाया गया है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, टिप्पणी करना है 150 शब्दों में। इसको आप कॉपी में लिख के या आप कहीं भी लिख के भेजना चाहें तो मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पे आप भेज सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद डिस्टेंस लर्निंग को सुनने के लिए और देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं।